श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, त्री रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। ग्रामीण अंचलों में सास की हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं, यह दंश मध्य प्रदेश का ग्रामीण अंचल का बासिंदा आजाद भारत के बाद से झेल रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जल्द ही आपके ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर दिखेंगे। कमलनाथ सरकार की उच्च चिकित्सा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने अब ऐलान किया है कि अगर आपको सास की डॉक्टर बनना है तो आपको एक साल तक दूर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देनी होगी, तभी आपका एमपी मेडिकल काउंसिल में पंजीयन होगा, नहीं तो भाई ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा, यह बयान विजय लक्ष्मी साधो ने सागर में उस वक्त दिया जब वह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बैठक ले रही थी। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही इस मामले में नीति लाने जा रही है। इतना ही नहीं, साधो ने एक बयान देकर मध्य प्रदेश की भाजपा की उस उपलब्धि पर झटका दिया है जिसमें प्रदेश में भाजपा यह कहती रही है कि हम सागर में मेडिकल कॉलेज लाए हैं। साधु ने कहा कि हम जब दिग्विजय सिंह शासन काल में मंत्री थे उस वक्त हमने यह प्रस्ताव रखा था जिसमें वर्ष 2002 में सागर के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था। जैसे कहा कि जबलपुर के अंदर हमने 7 सब्जेक्ट में खोला है जिसमें सभी आगे न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोनेटोलॉजी, ये सारे खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही हमारे इंदौर के अंदर भी खुल रहा है, ग्वालियर में भी, भोपाल में इसलिए नहीं खुल सकता क्योंकि भोपाल में एम्स है, तो भोपाल में हम लोग ट्रॉमा यूनिट सेंटर में शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ हमें स्वास्थ्य विभाग से जो टीबी सेंटर्स मिले हैं वो भी मेडिकल कॉलेज को मिले हैं, उसमें भी हम लोग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि वहाँ भी जो फेफड़ों की बीमारियाँ उसके ऊपर भी हम लोग काम करें। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत मैं आपको बता दूं कि 2002 में विजय लक्ष्मी साधो उस टाइम मिनिस्टर मेडिकल एजुकेशन थी और ये मैं ही प्रस्ताव लाई थी क्योंकि हमारे उस वक्त 5 मेडिकल कॉलेज थे पूरे प्रदेश में, तो मैंने ही आदरणीय उसका टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे कि जिला अस्पतालों को एफिलेट करके और हमको नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए, और शुरुआत हमने सागर से की थी और पीपी मोड पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हमने उस टाइम शुरू किए थे जिसमें इंदौर का अरविंदो कॉलेज और भोपाल का पीपल्स कॉलेज और उज्जैन का गाड़ी मेडिकल कॉलेज आए थे उस वक्त, उसकी शुरुआत की थी। और आज मुझे खुशी इस बात की कि हमारे 13 कॉलेज मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में है और 5 और हमें मिले हैं, 6ठा मिलने वाला है, तो एक अच्छी लेवल पर हम लोग मेडिकल फैसिलिटी में आगे जा रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का भी सोच है और मुझे कहा भी गया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स हमको प्रदेश की जनता को देने हैं, उसी अनुरूप हम लोग मेडिकल एजुकेशन में काम कर रहे हैं और हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट के कोर्सेज भी मेडिकल कॉलेजेस में खोल रहे हैं। अभी जबलपुर के अंदर हमने करीब 6-7 सुपर स्पेशलिस्ट के कोर्सेज खोले जिसमें न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोनेटोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के सब्जेक्ट खोले हैं जिससे जनता को प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगी है। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस में, हालांकि यह सियासी बयान है लेकिन गाँव में अब डॉक्टर होने की यह अच्छी खबर बुंदेलखंड से लेकर उन ग्रामीण अंचलों को राहत देने वाली है कि अब गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब नजर आएंगे और इलाज की सुविधाएं बढ़ेंगी। नफीस खान के साथ इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475999376776।